हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए कि हाउ टू यूज सोशल मीडिया एफिशिएंटली। अब सबसे पहले तो ये वीडियो में किस कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो में क्या आने वाला है उसके ऊपर बात कर लूँ। तो मैंने एक इससे पहले एक वीडियो डाला था कि डू दिस वन थिंग इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। उसमें काफ़ी सारी कमेंट्स आई थी कि सर काफ़ी सारा टाइम पास हो रहा है सोशल मीडिया में, फ़ोन का यूज़, फ़ोन एडिक्टेड है। तो आज का वीडियो यही होने वाला है कि आप किस तरह से अच्छा अपने टाइम को यूटिलाइज करके एफिशिएंट वे से सोशल मीडिया का यूज़ कर पाए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि हम लोग कितना एवरेज टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे। सो सबसे पहले उसमें आता है इंस्टाग्राम की, जिसमें 3 से 4 घंटे एक इंसान पूरे के पूरे दिन में यूज करता है। दूसरे नंबर पे आता है फेसबुक, जिसमें 2 से 3 घंटा हर एक स्टूडेंट एक दिन में यूज करता है। इसके बाद आता है यूट्यूब, जिसमें एवरेज टाइम निकलता है 2 घंटे। अब ये 3 सोशल मीडिया के अलावा ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, रेडिट और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी अवेलेबल है फोन के स्क्रीन के अंदर। तो ये तो है सिर्फ एवरेज टाइम। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का तो इंस्टाग्राम टाइम यहाँ पे 6-6 घंटा तक चले जाता है और काफी सारे लोग यूट्यूब पे काफी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके अलावा हम ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो इसमें नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजोन प्राइम वीडियो, जी प्राइम और इसके अलावा काफी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी है। तो इसी सब के बीच में ये सारा कंटिन्यू करके हम किस तरह से अपनी इंजीनियरिंग की स्टडी अच्छे से कर पाए वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये टाइम कंट्रोल किस तरह से करें। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक केस स्टडी बताना चाहता हूँ कि ये एक मिस्टेक है, ये एक गलती है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। काफी सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली फ्रस्ट्रेट होते ऐसा करते कि वो डायरेक्टली सब कुछ बंद कर देते, यानी कि ऐसा डिसाइड कर लेते कि मान लीजिए कि आज है सैटरडे, तो फिर वो क्या करते कि वो ऐसा डिसाइड करते कि मंडे से सब कुछ वो अनइंस्टॉल कर देंगे। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा था कि वो काफी फोन एडिक्टेड होते हैं और एक दिन डिसाइड करके ऐसा करते कि सब कुछ अनइंस्टॉल करते हैं। बट दिस इज नॉट द राइट वे। आप 2 से 3 दिन बाद डेफिनेटली सब कुछ इंस्टॉल करके फिर से जो पहले की तरह थे वही रिपीट करने वाले हो, और यही होता भी है। ऐसे कभी भी आप फोन से छुटकारा नहीं पा सकते हो, ये मेथड बिल्कुल भी रॉन्ग है। तो क्या करना चाहिए? तो ये है कि मैंने यहाँ पे मेरे केस स्टडी ली है, मैंने काफी सारा रिसर्च करके ऐसा देखा है कि ये एक एफिशिएंट वे है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखाया है ऐसा नहीं करना है, आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है, क्योंकि ये एडिक्शन इतना ज्यादा है कि आप इससे जल्दी छुटकारा नहीं पा सकते। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं एक सिंपल सिनेरियो रहता हूँ कि फर्स्ट वीक से आपको स्टार्ट करना है कि मान लीजिए इंस्टाग्राम है, वो आप दिन के 3 घंटे यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे अपना अपना केस ले लेना है कि काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 घंटा बिताते हैं, काफी सारे 2 घंटा। सो पहले दिन आपको क्या करना है, पहले वीक के लिए आपको 30 मिनट्स इंस्टाग्राम पे कुछ नया सीखना है। नया मतलब यानी कि इन द सेंस आपका जो भी इंटरेस्ट है। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है आर्ट्स के अंदर और कोई स्टूडेंट्स ज्यादा इंजीनियरिंग में है, तो आप इंस्टाग्राम पे ये सर्च कीजिए ना, इंस्टाग्राम पे काफी सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड पेजेस है, वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप सिर्फ सर्च करना है तो आपको इतने सारे इंजीनियरिंग रिलेटेड आपको पेजेस मिलेंगे। तो आप उसमें उस पेज को फॉलो कीजिए, वहां पे डायरेक्टली 30 मिनट स्पेंड कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि मैं दूसरा केस निकालूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा है कि जिन लोगों को आगे चल के गेट की एग्जाम्स देनी है, तो आप 3 घंटा इंस्टाग्राम पे बिताओ, उसमें से 30 मिनट्स गेट रिलेटेड जितने भी पेजेस है, यानी कि द गेट एकेडमी, गेट स्मैशर, नॉलेज टाइम, गेट सॉरी ये तो मेरी चैनल है नहीं, गेट नॉलेज, ये सारी की सारी गेट रिलेटेड पेजेस है, उसमें आप 30 मिनट स्पेंड करो। उसकी पोस्ट चेक करो, उसकी स्टोरीज देखो, उसकी स्टोरी में जो पोल होता है वो देखो, उसके अलावा क्वेश्चंस एंड आंसर आता है, ये सारा का सारा अटेम्प्ट करो। ये मेरा तरीका है कि पहले वीक आप 3 घंटे बिताते हो तो उसमें से 30 मिनट आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है वो कीजिए। अब यहाँ पे दो केस तो बताए कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ नया सीखना चाहते हैं वो, दूसरे स्टूडेंट्स है कि जो गेट देना चाहते हैं वो। इसी तरह से मान लीजिए कि आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है वो सारे के सारे उसके रिलेटेड पेजेस इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, तो आप इस तरह से अपना टाइम इसमें दे सकते हो, इस तरह से अपना टाइम इंस्टाग्राम में इफिशियंटली यूज कर सकते हो। फिर दूसरे वीक क्या करना है कि दूसरे वीक आपको 3 घंटे में से 1 घंटा ये प्रोसेस फॉलो करनी है। पहले वीक में कितने टाइम था, 30 मिनट्स। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कंप्लीटली यही 30 मिनट्स के लिए यही सारे पेज देखो, आप थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये सारे
पेज को फॉलो करो, उसमें एक्टिव रहो। सो दूसरे वीक में आपको ये टाइम बढ़ा के 1 घंटा करना है। तीसरे वीक में क्या करना है कि ये टाइम आपको 1.5 आवर करना है, और इसके रिगार्डिंग आपको काफी सारा रिसर्च मिलेगा। अब जैसे ही आप ये फॉलो करोगे, अगर उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा ना, तो उसके बाद आप अपने आप ही ये सारी की सारी जो टाइम पास वाली थिंग्स थी, 3 घंटे में से काफी सारा टाइम आपका इसी तरह से अच्छे से इंस्टाग्राम पे बीतेगा। और फोर्थ वीक में क्या करना है कि आपको सिर्फ टाइम कम कर लेना है। पहले 3 घंटा था, सो उसमें से आप आ गए हो 2 घंटा। पहले आप 4 घंटे यूज करते थे, तो अब आपको 3 घंटा यूज करना है। पहले आप 2 घंटे यूज करते थे, तो अब आपको 1 घंटा इंस्टाग्राम यूज करना है। सो ये एक एफिशिएंट वे है। इससे क्या होगा कि इससे आप कुछ नया भी सीखने मिलेगा, और आपका जो सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट हो रहा था, टाइम पास हो रहा था, वो भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, यूट्यूब का। अब यूट्यूब में भी आपको इसी तरह से करना है। अब यूट्यूब पे तो इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। आपकी पूरी की पूरी लाइफ चली जाएगी YouTube पे वीडियोस देखते देखते। इससे भी ज्यादा वीडियोस YouTube पे अवेलेबल है। सो YouTube में भी आपको इसी तरह से फॉलो करना है। आपको मान लीजिए कि किसी में भी, जिस चीज में भी इंटरेस्ट हो, वो आप देख सकते हो। जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, एजुकेशन, मोटिवेशन वीडियोस, करंट अफेयर, और इसके अलावा भी काफी सारे वीडियोस के ऊपर आपको सारा का सारा YouTube पे कंटेंट मिल जाएगा। तो इसी तरह से आप YouTube पे जो टाइम वेस्ट हो रहा था, उसको एक एफिशिएंट वे से आप उसको अच्छी तरह से कन्वर्ट कर पाओगे यूजफुल टाइम में। अब हम बात करते हैं कि नेटफ्लिक्स पे। सो यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स को ये सवाल आया ही होगा कि मान लीजिए कि इंस्टाग्राम में आप कुछ एजुकेशन रिलेटेड फाइंड कर सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो, बट नेटफ्लिक्स में क्या होगा? तो नेटफ्लिक्स में भी मेरे पास एक सजेशन है। अगर आप मान लीजिए कि आप कोई भी सीरीज देख रहे हो, अब मान लीजिए कि मनी हाइस्ट है और कोई भी ले लीजिए, तो आप इसके बदले साईफाई, जो साइंस फिक्शन है, एजुकेशन रिलेटेड सीरीज है, वो भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सब कुछ बंद कर लेना है, आपको कुछ भी सीरीज या कुछ भी नहीं देखना है, बट लिमिटेड टाइम के लिए देखना है। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ कि आप नेटफ्लिक्स यूज करना बंद करो, आप हॉटस्टार मत देखो, बट लिमिटेड टाइम के लिए आप सब कुछ देख सकते हो। अब लाइफ में ऐसा भी तो है नहीं कि आप इंजीनियरिंग में हो तो सब कुछ बंद करके सिर्फ इंजीनियरिंग के ही पीछे दौड़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन बनना है। सो इसीलिए आपको सीरीज भी देखनी चाहिए, बट लिमिटेड टाइम के लिए। और जो साइंस रिलेटेड है, एजुकेशन रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड है, ये सारी सीरीज आप डेफिनेटली देख सकते हो। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि वो सीरीज इंग्लिश है, तो आपको जो सबसे पहले नीचे जो यहाँ पे सबटाइटल आएंगे, वो सबटाइटल पढ़ोगे। सो इसकी वजह से आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बढ़ेगी। आप हैंड्स फ्री डाल के इंग्लिश लैंग्वेज रखोगे, तो फिर आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स है वो बढ़ेगी, और ये सारे का सारा आपका एक इंग्लिश इंप्रूवमेंट के उस तरफ आपको, उसी डायरेक्शन में आपको लीड करेगा। यानी कि इसकी वजह से आपकी इंग्लिश की जो स्किल्स है वो भी काफी अच्छी तरह से डेवलप होगी। तो ये बात हो गई नेटफ्लिक्स की। अब अगला क्या है कि यूज फॉर लेस टाइम। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता हूँ कि आप कंप्लीटली सोशल मीडिया बंद कर लो, ऐसी लाइफ बिल्कुल नहीं होती है। ये एक साइकोपैथ, मतलब उस तरह के पर्सन की लाइफ हो जाएगी। आपको लाइफ में सोशल मीडिया भी चाहिए, इंजीनियरिंग भी चाहिए, स्टडी भी करना होगा, तो सब कुछ साइमल्टेनियसली चलना होगा। बट मेरा फोकस यही है कि ये जो आप दिन के 3 से 4 घंटा इसके ऊपर स्पेंड करते हो, ये टाइम कम करके जो एफिशिएंट टाइम है, जो स्टडी टाइम है, वो इंक्रीज करो। मेरा फोकस सिर्फ यहाँ पे है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली सोशल मीडिया बंद ही कर दो, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, वो आप डेफिनेटली फॉलो करना है, तो आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपने कुछ नया सीखा है, देन प्लीज प्रेस डेफिनेटली लाइक बटन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।